झिलमिल झिलमिल सुन ऋषि में ऋषि को देख झिलमिल झिलमिल आगे लिखा। आइए माँ के दरबार में एक चुनरी का भजन सुना देता हूँ मैं बहनों से इधर कहना चाहूंगा। देखिए माँ के दरबार में बैठे हैं, थोड़ा सा आप शांत रहें तो भजन सुनाने का मजा आएगा। मुझे भी, मैं दिल्ली से आया हूँ इतनी दूर से, आप लोग भी बड़े दूर दूर से आए होंगे मद्रास से या आसपास से। 2 घंटे का प्रोग्राम रखा है, माँ का दरबार है, हाजिरी लग जाए, बेड़ा पार हो जाए। आइए काको सा मारवाड़ी सुनाऊं के आपने हिंदी चुनड़ी हो जगदम्बा थे तो आकरियो डोजी सुराना परिवार लाया थारी तारारी चुनरी सुराना परिवार लाया थारी तारारी ओढ़ी चुनरी। इसी चुनरी में मैं अलग अलग भजन सुनाने जा रहा हूँ हमारे मारवाड़ी के रागों का। तो आइए मारवाड़ी के रागे, जितने मद्रास में बैठे मुझे पता है मारवाड़ी रागा बहुत कम सुनी जितना मिला है। मैं दिल्ली वाला तो फिर भी सुन ले, फिर भी गा ले, लेकिन मद्रास वालों बहुत कम नशीब हुआ उनका अच्छी तरह पता है। तो मारे दरबार में आया हूँ, मैंने भी यहाँ लागे मद्रास वाले सुनना आया है। तो आओ कि जगदम्बा थे तो आकरियो डोजी जगदम्बा थे तो आकरियो डोजी थर सेवक लाया अरारी चुनरी थर हाथर लाया साहब पिताजी मैं समझ गया आपको सुना हेमराज जी तेजराज जी सुराना के द्वारा भजन संध्या आयोजित। हाँ बता रहे हो सारे जहां मेरी खुशियां दी और आशीर्वाद सदा सुराना पर हो एक याद लो आई के मां डागर थारा निरख किया झिलमिल 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 चुनरी में ओ हो 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 झिलमिल झिलमिल चुनरी मैया चमके झिलमिल झिलमिल चुनरी में तारा चमके आ जाए भवानी थारा टाबर करते मिल 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 चुनरी
आ जाए जवानी भरा ताबर करो आ जाए जवानी भरा ताबर करो और घर परिवार के दुआया वो बेटा आयड़ा गेड़ा संगी साथी जी चुनड़ी की तैयारी करी जी की चुनड़ी आतदाई गई कहीं हो सुगागण मिले सुहागण मिले चुनड़ी पहनाई जी बोलिए देखिए मेरी आदत है मैं बाहर तो मेरी बाहर भी जा चुका हूँ भजन संध्या करने जहाँ भी जाता हूँ भजनों की संध्या तभी करता हूँ जो भगत साथ में गाए और आप लोगों का अगर शर्म आ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई शर्म नहीं है माँ के दरबार में हाजिरी भरते हुए तो आइए चाइना तक गुणगान किया माँ का तो आप लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए मैं एक बात बताऊँ चाइना जब गया था मैं ईयू के अंदर वहां भजन जब मैं गा रहा था चाइनीज लोग ये भजन अपने आप गाने शुरू हो गए थे उनको पता नहीं भाषा भी नहीं आती लेकिन गुनगुनाने की कोशिश ताल के साथ ताली बजाने की कोशिश ऐसी उन्होंने की कि मैं दंग रह गया कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी अभी तक हुआ नहीं है कि वो बिना समझे हम तो समझदार हैं फिर भी आइए ऐसा भी कहेंगे क्या सुहागण मिले चाव सुबांदी है बोलिए अभी कह दो ना काकोसा किसी को दो लुगाइयों को बात करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा काको सा भूल दिए मैं नहीं बोलूंगा सुहागण मिले चाव सुबांदी सुहागण मिले घर के तो बोलो सुहागण मिले चाव सुबांदी मां सुहागण मिले चाव सु थे आकर ओढ़ो तारा थे आकर ओढ़ो देखे दिल्ली से कौन कौन एक पहले बड़े बुजुर्ग पहले एक दो तीन राजू काको जी चौथे पांचवें और भाभी जी भी आए हैं बच्चे भी आए हैं और भी बहुत आए होंगे हम दिल्ली वाले ही गा रहे हैं देखिए खाली काकोसा ने मेरा नाम दिया काकोसा एक मिनट आपने मेरा ही नाम क्यों दिया कि राकेश जी चिंडाले गाने आ रहे देखो मेरे साथ कितने आए हैं और मैं इनके साथ आया और काकोसा का बड़ा प्यार है विकास भाई जी का बड़ा प्यार रहता है मुझ पे तो हाँ देखे दिल्ली से आए हुए हैं मद्रास में गा रहे हैं और मद्रास में रहने वाले नहीं गा रहे हैं ये मेरी तोहिन नहीं है माँ के दरबार की तोहिन होगी और जो माँ की तोहिन नहीं चाहता एक बार हाथ खड़े करके बताना जरा कौन कौन माँ की तोहिन चाहता है कोई चाहता है माँ की तोहिन नहीं ना देखो जोरदार हाथ खड़े करना पूरे हाथ खड़े करना आपने जो माँ ने आपको अगर हाथ दिए तो हाथ खड़े करना नहीं दिए तो कोई बात नहीं माँ के दरबार में एक बार हाथ खड़े करना समर्पण के लिए कह रहा हूँ दोनों हाथ खड़े करके मैं बताता हूँ क्यों खड़े किए जाते हैं दोनों हाथ कीर्तन के अंदर हम दिल्ली वालों की आदत है क्यों खड़े किए जाते हैं आपको क्या हुआ हाँ दोनों हाथ मिला लीजिए जयपुरी चुनड़े पात मंगाई माँ जयपुरी चुनड़े पात मंगाई माँ हर टाबर नीरे खे ये ओड दिखाओ माँ हर टाबर नीरे खे ये ओड दिखाओ माँ अंतिम लाइन है माँ के दरबार में जो आया खाली हाथ नहीं गया हम यहाँ बैठे हैं भावना से खाली भावना कहते हैं कि मन में भावना हो लेकिन इस भावना का अर्थ समझो भावना दोनों का अलग अलग करो भावना का अर्थ अलग हो जाएगा
भावना, कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। माँ के दरबार में बैठे हो, दरबार में भाव रखो, और आइए सभी मिलकर कहेंगे माँ के चुनड़ के लिए क्या हो। ये सगड़ा आया, मैं सबने बुलाया, तेजराज जी सुराना कह रहे हैं, हमराज जी सुराना अपने परिवार के लिए कह रहे हैं, मैं सबने बुलाया, मारे सगड़ा आया, मैं सबने बुलाया, मारे सगड़ा आया, पण कोई न गाया, मन मजो न आया, पर कोई न गाया, मजो न आया, किया थे ओ डोला, मारे कन्या माता, किया थे ओ की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने से लोगों को देख जो गाते हैं ज्यादा, तो माँ के भाव एक भजन इस जननी का गाया, एक भजन निज जननी का गाना बहुत जरूरी है। खाली हम माँ का पूजा करें ये माँ को पसंद नहीं, जब तक हम अपनी जननी की पूजा नहीं करें। और मैंने देखा, मैं आते देखा सुराना जी सबसे पहले जब उनकी माँ जी से आई थी, सबसे पहले उनकी सेवा में लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजकल की दुनिया में जो माँ बाप की सेवा करते हैं उसे सब कुछ मिल गया, और जो माँ बाप की सेवा करते हैं देखिए ठाट उनके हैं। तो इसलिए अपने माँ बाप को अपने तकदीरों से ज्यादा समझो। क्यों? क्या लिखा है ये भजन, बहुत ही शानदार है। जो पीछे बैठे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो कुछ ले रहे हैं, काको साहब के लिए भजन गा रहा हूं। मैंने आते ही देखा जो आपके माँ की सेवा, कि माँ की सेवा तो आप सब कर लेते हैं लेकिन निज माँ की सेवा कोई नहीं कर पाता। ये भजन जरा ध्यान से सुनना, जो शब्द लिखे हैं लिखने वाले ने, मुझे भेजे कलकत्ता से लिखे बनवारी जी ने कि राकेश ये भजन जरूर गाना आप, तो आइए। कि भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, क्यों? तकदीर वाले हो जो माँ की करो भक्ति, कि तकदीर वाले हैं उनको माँ बाप की सेवा मिलती है, हर किसी को माँ बाप की सेवा नसीब। तो आइए इन भजनों के प्यार लाइनों को गा रहा हूं, जो माँ की सेवा कर ली, जिसने अपनी माँ की निज माँ की सेवा करी, इस माँ की मैं तो कह रहा हूं दरकार ही नहीं है, किसी को भी दरकार नहीं है। माँ बाप की सेवा जिसने कर ली उसको भगवान की भी जरूरत नहीं है। किस किस ने लिखा है, क्या क्या लिखा है माँ बाप के बारे में, आइए दो लाइनों के साथ। हो भगवान मिल जाते माँ बाप नहीं मिलते, भगवान मिल जाते हैं माँ बाप नहीं मिलते, कि तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, करे भक्ति।
ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला, मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला।